आज है टर्की में हमारा चौथा दिन और हम हैं गोरेम यानी कैपेडोशिया में और केव होटल में ठहरे हुए हैं। तो देखिए ऊपर जा रहे हैं नाश्ते के लिए, ब्रेकफास्ट के लिए। कैपेडोकिया, मेरे से मुंह से बार बार कैपेडोशिया निकल जाता है। ये है कैपेडोकिया की गलियाँ। एक्चुअली आप किसी भी कंट्री में आए तो उसका जो मेन शहर है, बड़े शहर मेट्रोज, उसके अलावा आपको छोटे शहर कस्बों में भी जाना चाहिए, तभी वहाँ की असली कल्चर पता चलती है। हमारा सवेरे हॉट एयर बैलून था जो मौसम की वजह से कैंसिल हो गया है, तो कल बोल रहे हैं कराएंगे। आज हमने एक डे पैकेज टूर लिया है हाइलाइट्स ऑफ कैपेडोशिया। सुबह 9 बजे शुरू हुआ था। 8 जगह दिखाई जाएंगी। इसमें हमें एक मिनी बस में करीब 15 लोगों को ले जाया गया और जो सबसे पहले हमें जगह दिखाई गई वो थी पैनारोमिक व्यू ऑफ कैपेडोशिया। ये एक बड़ी सुंदर जगह थी और हवा बहुत तेज़ चल रही थी। मैं आपको हवा की आवाज़ भी अभी सुनाऊंगी। यहाँ और भी है इस एरिया में अंडरग्राउंड सिटी, और जो हम देखने आए हैं इसका नाम कुछ खाई मखली ऐसा कुछ नाम है, काय मखली, काय मखली, काय मखली। ये थी शहरी, शहरी यानी शहर, और ये शायद इसका मतलब अंडरग्राउंड होगा। ये देखिए ये है अंडरग्राउंड सिटी। वैसे तो मुझे ऐसे घुटन से डर लगता है, लेकिन पता नहीं क्या, देखने की चाह में ये काम भी कर लिया, अच्छा लग रहा है। ये उस समय लोग अपने एनिमीज से बचने के लिए इस तरह से अंडरग्राउंड सिटी बना के रहते थे। ये देखिए काफ़ी अंधेरा है, ये ग्रेव्स लिखी हुई हैं, तो यहाँ रहते रहते अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो यहाँ ग्रेव भी बनती थी। ये चर्च था, ये लिखा हुआ है किली से चर्च। देखिए क्रॉस बना हुआ है, देखिए चक्की। दीवारों में कई जगह से एयर शाफ्ट भी बने हुए थे वेंटिलेशन के लिए। इसके बाद हमें स्टोन्स की ज्वेलरी दिखाने ले गए और उसके बाद हम पिजन वैली गए। पिजन वैली, ये पहले जमाने के इंसानों द्वारा बनाए हुए हैं ये पिजन हाउसेस, क्योंकि वो इसके द्वारा संदेशा भिजवाते थे, कबूतर चा 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 कबूतर, और इसके अलावा जो उनकी बीक रहती थी उससे वो फर्टिलाइजर्स बनाते थे। दे आर नॉट ह्यूमन हाउसेस। पिजन तो पिजन, ये स्पैरो वैली भी कह सकते हैं। स्पैरो जो छोटी सी चिड़िया, चिरैया, ओरी चिरैया, नन्नी सी गुड़िया। अब हमें ले जाया गया उचिसर कैसल्स देखने। तो जाके देख सकते हो कि वो लोग कैसे पहले। जगह का नाम उचिसर है, उचिसर। एक्चुअली ये कैसल्स बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, तो यहाँ जैसे हमारे यहाँ भी ऊंचा उच्च कहते हैं, यहाँ भी ऊंची भाषाएं, भाषाओं में समानता तो होती है, कई शब्द कॉमन मिलते हैं। गलियाँ भी देखिए इन पत्थरों की बनी होती है ऐसे, ये काफी पास से। ये कैसल्स करीब 1600 साल पहले हैं। वैसे अगर मेरे से कुछ बताने में कुछ गलती हो गई हो तो प्लीज उसमें, क्योंकि जो हमारा गाइड है वो काफ़ी टर्किश एक्सेंट में इंग्लिश बोल रहा था, तो मुझे कई जगह समझ में दिक्कत भी हो रही थी। इसके बाद हमें लंच कराने ले जाया गया, जो कि काफ़ी अच्छी जगह थी, क्योंकि टूर वाले कई बार इतनी अच्छी जगह नहीं ले जाते हैं। और ये देखिए ब्रेड लिया मैंने, पनीर लिया, और ये कटी हुई सब्जियाँ ली, तो
बस अपना तो काम चल जाएगा। ये देखिए, ये हम पॉटरी मेकिंग, क्ले मेकिंग यहाँ आए हैं। Yes. What is this exactly? Kaolin. Kaolin. It's a soil. Kaolin soil. Okay. Kaolin soil. पॉटरी के पहले ऐसे ड्रॉ किया जाता है और ये पेंट कर रहे हैं ऐसे। अब हम गए इमेजिनेशन वैली। हाँ, मशरूम। देखिए, इसे इमेजिनेशन वैली इसलिए कहते हैं कि ज़्यादातर रॉक्स किसी न किसी को आप इमेजिन कर सकते हैं। जैसे सामने वाली है वो कुकुरमुत्ता मशरूम, और ये नीचे आपको शायद दिख रही होगी, नहीं किसी जैसे फिश का आँख बनती हुई है। अच्छा, ये है ऊँट, और ये वाले रॉक से अगर साइड से देखा जाए तो बर्ड जैसे। लोग इसे इमेजिनेशन वैली कहते होंगे, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये कोई और प्लेनेट पे आ गई हूँ। देखिए, ये क्रोशे का बना हुआ नेकलेस है। हम जा रहे हैं मॉन्ग्स वैली, इसे पाशा बालर भी कहते हैं। जो आज मैं आपको बता रही हूँ ये हाइलाइट्स ऑफ कैपेडोशिया में ये हमें दिखाए जा रहे हैं, और करीब 9:30-9:15 बजे हम शुरू हुए थे। अब देखिए ख़त्म होते होते कितने बजते हैं, अभी तो 3:30 बज रहे हैं। आपको दिख रहे हैं ये सब वॉल्केनिक इरप्शंस, यानी जब ज्वालामुखी फटा काफ़ी हजारों साल पहले तो ये निकले हैं। तो कोई मंगल ग्रह है या पता नहीं कहाँ है हम लोग। बताइए, लग रहा है कि नहीं। ये देखिए, ये जो घर है ये करीब 2000 साल पहले के हैं। शाम को 5 बजे तक हम वापस आ गए थे, फिर 1 घंटा आराम करके हम गोरे में देखने पैदल ही निकले। ये देखिए पॉटरी कप प्लेट्स, तो अभी हमने जो खरीदा वो मैं बता रही हूँ, ये वाला। इसमें ये देखिए, ये 6 का सेट लिया, और ये भी सेम ही कलर का 6 का सेट लिया, और ये लिया। इसमें देखिए अपना रेस्टोरेंट इंडिया गेट, ये और वो भी एक छोटे से शहर में, गोरेम नाम की जगह है ये टर्की में। एक और दिख रहा है आपको, नमस्ते इंडिया लिखा हुआ है। तो हम 4th दिन की शाम में हिंदुस्तानी खाना खा रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।